नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार गोलकी जोशी, जिन्होंने फिर से लिया है अपना हसीना मलिक वाला अवतार। क्यों लिया है उन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। यस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं वापस अपनी वर्दी में हूँ, लेकिन इस बार मैं हूँ वागले की दुनिया में और यहाँ पर एक बहुत ही सेंसिटिव और पेंचीदा सा केस सॉल्व करने आई। चलिए, वो तो हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करती हैं, हालांकि हम सब देखते आ रहे हैं। बट ये बताइए, जब आपको बोला गया वापस फिर से हसीना मलिक बनना है, पहला थॉट क्या था? वाओ, आई वाज वेटिंग फॉर दिस। मुझे तो, मैं तो मिस कर रही थी अपनी वर्दी और वो डंडा घुमाना और वो मेरे जूते और वो स्लो में वॉक स्टाइल वाइल, मैं सब बहुत मिस कर रही थी। तो मुझे तो जैसे ही उन्होंने बोला कि हसीना बनूंगी, मैंने कहा बताइए कौन से शो में बनना है। ओके, कैमियो है, थोड़ा सा है, मतलब कुछ ही दिनों का है, बट नवरात्र का मौका है। आपने एक तरफ अपना सोशल मीडिया, अपना डांडिया वाला अवतार भी दिखाया है। कितना आप इंजॉय करें नवरात्र, और नवरात्र में आपने फिर से हसीना मलिक का जो आपने अवतार लिया, मानती हैं कहीं ना कहीं ऊपर वाले की या माता रानी की कृपा? हाँ हाँ, मैं तो कम्प्लीटली मानती हूँ कि जो कुछ भी होता है ज़िंदगी में हैपन्स फॉर अ रीज़न। और भले ही आपको उस वक्त अपनी ज़िंदगी के बारे में और प्लान शायद समझ में ना आए, पर उसे बहुत अच्छे से पता होता है। सो आई तो टुक दिस एज अ ब्लेसिंग कि ये डिले होते होते फाइनली बिल्कुल नवरात्रि के एकदम शुभ मौके पर हुआ है, मुहूर्त पर हुआ है। सो दिस फील्स लाइक अ डिवाइन कनेक्शन टू मी। जब आप ये लुक ले रही थी, कुछ याद आ रहा था? मतलब वो फीलिंग आ रही थी, मतलब इतने दिनों बाद वापस से हसीना मलिक। हाँ हाँ, बहुत कुछ याद आ रहा था। इनफैक्ट मैं यहाँ आने से पहले रात को सो नहीं पा रही थी ठीक से, क्योंकि मैं थोड़ी सी नर्वस थी कि यार बहुत टाइम बात कर रही हूँ, कहीं भूल तो नहीं गई होंगी, कहीं कुछ गड़बड़ तो ना कर दूँ। बट द मोमेंट मैंने वर्दी पहनी और द मोमेंट मैंने खुद को मिरर में देखा, एवरीथिंग केम क्रैशिंग बैक टू मी एंड आई वाज लाइक या लेट्स डू दिस। आपने पिक्स भी शेयर किया सोशल मीडिया पर, आपको डीएम्स आ रहे हैं, ये क्या है? भयंकर डीएम्स आ रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे डीएम्स भी आ रहे हैं, कुछ बहुत खतरनाक थ्रेटनिंग डीएम्स भी आ रहे हैं कि आप जो है धोखा दे रही हैं, वागले की दुनिया में आ रही हैं, सीजन 2 नहीं आ रहा है, हम नाराज हैं आपसे, तो हर तरीके की बातें हो रही है। या बिल्कुल, फैंस सच में आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और सबको लग रहा था कि आप ही आएंगी। क्या वजह, क्या हो क्या, मतलब बातचीत कुछ हुआ था? सीजन 2 के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता क्या हो रहा है, जितना आपको पता है, जितना ऑडियंस को पता है उतना ही मुझे पता है। मुझे बस ये पता चला कि वागले की दुनिया में मुझे बुलाया जा रहा है, एंड सिंस हसीना मलिक इज़ द फेस ऑफ सोनी सब, सो आई टेक दिस इन माय प्राइड कि आई एम रिप्रेजेंटिंग दैट फेस, और मैं तो चाहती हूँ कि अपने सारे शोज में मुझे बुलाएं। बिल्कुल, बट आप अगर सीजन 2 में आप नहीं आए तो आप किसको हसीना मलिक के तौर पर देखना चाहेंगी? आप किसको चाहेंगे कि वो आपके जैसा किरदार दे? कोई नहीं, मैं ही हूँ, एक्सक्यूज मी, हेलो, हसीना मलिक मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगी। और आपको अगर सीजन 2 में किसी और को करना है तो आप हसीना मलिक बुलाओ, हसीना मलिक मैं ही हूँ। टच में है अपनी पूरी टीम से, हालांकि सब लोग बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, क्या बातें होती है जब आप लोग बात कर रहे हैं? सबसे टच में हूँ, सबने प्रोमो देखने के बाद मुझे फोन किया, सबका ऐसा था कि अरे ये क्या हो रहा है और ऐसे कैसे, हाँ कहीं आ तो नहीं रहा और आ रहा है तो हमें कैसे नहीं पता, और वो सबसे मेरी बात हुई, सबसे बात होती रहती है इनफैक्ट, एंड सब बहुत खुश हैं, सब अपनी लाइफ में मस्त हैं, हम मिलते रहते हैं, पार्टी करते रहते हैं, एंड दे आर मुझसे ज़्यादा आई थिंक बाकी सब एक्साइटेड हैं टू सी मी बैक ऑन स्क्रीन इन वागले। मैम एक भी जानना चाहेंगे, कई दफ़ा ऐसा होता है, कई एक्टर ने ये बोला है कि जब वो एक किरदार में रमते हैं, जब वो छवि बन जाती है, तो लोग उनको और किसी किरदार में नहीं देखना चाहते हैं, राइट? ऐसा आपके साथ भी कभी फील हुआ आप करती हैं? नहीं, एक्चुअली ये ना सवाल पिछले आई थिंक 12 सालों में मैं 12 से ज़्यादा बार सुन चुकी हूँ, क्योंकि जब आप कुछ सास बहू वाला करते हैं तो लगता है कि आप उसमें टाइप कास्ट हो जाएंगे, फिर कहते हैं कि मैंने नेगेटिव किया था तो लगा था आप उसमें टाइप कास्ट हो जाएंगे, अब इसमें टाइप कास्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि एक्टर कभी टाइप कास्ट होता है, ये ज़रूर हो सकता है कि हाँ उसके 10 किरदारों में से ये किरदार फेवरेट रहा हो ऑडियंस के लिए, बट आई डोंट थिंक, आई मीन आई डोंट वरी अबाउट ऑल ऑफ दैट। तो जो फैंस देख रहे हैं उनके लिए एनी मैसेज, ये जो हसीना मलिक हैं वो किस तरह से उनको क्या कुछ करने वाली हैं? वेल, जिन्होंने मैडम सर देखा है, जो मैडम सर के फैंस हैं, वो उन्होंने ऑलमोस्ट एवरी फैसेट ऑफ हसीना मलिक ऑलरेडी देखा हुआ है, बट वागले में आई थिंक मेरे लिए पर्सनली ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, और मेरे लिए खुद भी थोड़ा सा मुझे अभी मैं समझ रही हूँ, मैं अपने कदम बिछा रही हूँ कि इसको किस तरीके से इतना प्यार से किया जाए कि वो मैसेज भी पहुँच जाए लोगों की तरफ
और कोई ऑफेंड भी ना हो और एक सेंसिटिविटी जो है वो बरकरार रहे. सो आई होप आप लोग प्लीज़ देखिए एंड प्लीज़ लेट मी नो ऑन सोशल मीडिया कि आपको अच्छा लगा या नहीं. बिल्कुल मैम, ये भी जान चाहेंगे कभी आपके साथ ऐसा कोई मोमेंट हुआ कि कोई पुलिस वाले ने या पुलिस वाले ने आके आपको बोला हो कि आपका फिल्म बहुत अच्छा लगता है, वो मोमेंट आपके लिए कभी हुआ है? हाँ हाँ, बहुत बार हुआ है मेरे पास. मेरे पास बच्चों ने आकर कहा है कि हम बड़े होकर पुलिस बनना चाहते हैं हसीना मलिक की तरह. मेरे पास फीमेल कॉप्स आई हैं, उन्होंने कहा है कि अरे हमें देख कर इतना अच्छा लगता है, इतना मज़ा आता है बिकॉज यू नो यू पोर्ट्रेट सो नाइसली एंड पूरी टीम और आप सबकी मस्ती, तो वो हमारे लिए भी ऐसा लगता है कि अच्छा अपना वाला कुछ देख रहे हैं. काफी समय बाद स्क्रीन पर आ रही है, यही सोचा था ऐसे कुछ वापस आए या किससे बड़ा कुछ और प्लान चल रहा है, कुछ पाइपलाइन में है? मैं इतना सोचती नहीं हूँ. मैं आई वेक अप एंड आई सी कि आज मुझे क्या करना है और आज मुझे ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाना है. और आई थिंक टचवुड गॉड हैज़ ऑलवेज बीन वेरी ग्रेशियस, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी ब्लेस्ड कि जब जो सही टाइम पर होना होता है वो हो जाता है. Exactly. नवरात्र का मौका है, डांडिया भी आपने देखा, वीडियो हमने देखा भी आपका, कितना एंजॉय करें और कहाँ कहाँ आप एंजॉय करें नवरात्र में? नवरात्र में तो इस बार ये हो रहा है कि मैं फिलहाल बिल्कुल इन्हीं डेट्स पर शूट कर रही हूँ, तो एक आध ही बस मैं डांडिया शायद अटेंड अगर कर पाऊँ तो करूँगी. लेकिन मैंने तो अपना गरबा कर लिया और मैं नाच ली और मैंने रील बना लिया और मुझे बहुत मजा आ गया. ओके, यहाँ तो हमने देख लिया, अब जो फैंस हैं वो आपको जो बेसब्री से इंतजार करते हैं स्मॉल स्क्रीन पर वो तो देखेंगे, बट अभी कुछ खास जो आप सोच रही हैं करना चाह रही हैं? अभी फिलहाल तो मैं चाह रही हूँ कि मैं यही जो है किस तरीके से और बेहतर तरीके से ये कर पाऊँ, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग द सेम कैरेक्टर ये स्टोरी बहुत अलग है और ये थोड़ी सी पर्सनली भी बहुत क्लोज है. बीइंग अ वुमन इट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट. सो अभी माय कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन इज कि इसे और अच्छा कैसे बनाया जाए. थैंक यू सो मच हमसे बात मिला. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.